नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो है स्पेशली आपको बैंक में क्लरिकल में क्या काम करना पड़ता है, इसकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। देखिए, कई सारे कैंडिडेट जो है बिना कुछ समझे बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फिर बैंक जॉब ज्वाइन करने के बाद बैंक जॉब छोड़ने की भी बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशल सेशन रखा है। कई सारे कैंडिडेट जो है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है इस हिसाब से ही तैयारी करते हैं, बट आपको कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले उसके जो जॉब रोल्स है, ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके जो बेनिफिट्स है या लॉसेज है, वो सब समझने पड़ेंगे। तो आज के हम इस सेशन में ये पूरी की पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो क्लरिकल जो पोजीशन आती है बैंक में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, आपको कितना उसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये पूरा मैं आपको आज के यहाँ पर वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं। देखिए, क्लर्क इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोजिशन दैट आर अवेलेबल टू द पीपल एंड इट रिक्वायर सम जनरल क्वालिफिकेशन विच इंक्लूड बैचलर डिग्री। इसमें आपको कंपलसरी, देखिए अगर आप नेशनलाइज्ड बैंक में जा रहे हो तो आपको अभी कंपलसरी बैचलर डिग्री हो गई है। बैचलर डिग्री ऐसा नहीं है कि आप अगर कॉमर्स के हैं तो ही बैंक में जा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग से हो, आपने आर्ट्स किया हुआ है, आपने कोई साइंस बैकग्राउंड से किया हुआ है या किसी और फील्ड से, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह भी की है, तो भी आप बैंक क्लरिकल की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है, वो किसी भी फील्ड में चलेगी, ठीक है, अलॉन्ग विद द सम जनरल आइडिया ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। देखिए, बिकॉज क्या है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में बैंकिंग रेगुलेशन कुछ पूछे जाते हैं जो कि आपको खुद आने चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सच पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सीट फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वेयर ओनली टॉप कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। देखिए, एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, एक फंडा बता रहा हूँ। देखिए, अगर 1000 पोजीशन अगर किसी भी सेक्टर में आती है ना, तो इंडिया में लगभग 10 लाख तो मिनिमम एप्लीकेशन जाती है। तो अब जो 10 से 10 लाख को तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको जो है 1000 में टॉपर, टॉप 1000 में ही आपको जगह बनानी पड़ेगी। आपको जगह बनानी पड़ेगी ताकि क्या होगा कि आप जो है ये जॉब ज्वाइन कर सको। आपको बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज भी होना चाहिए जो है, ठीक है। अगर हम बात करें क्लरिकल जॉब्स इन जो है बैंकिंग सेक्टर में, एक स्टार्टिंग पॉइंट है इन करियर बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट विद मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीओ की जो पोजीशन आती है उसके लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही है, ठीक है। मिनिमम पोजीशन जो है वो क्लरिकल है बैंकिंग में, एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ही है, वो चाहे क्लर्क के लिए अप्लाई करो या पीओ के लिए, ठीक है। द जॉब प्रोफाइल ऑफ क्लर्क इज़ टू टेक केयर ऑफ जनरल बैंकिंग। आपको जनरल बैंकिंग ही संभालना है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है। इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, मेंटेनिंग अकाउंट्स, क्रिएट रिपोर्ट्स एंड एनी वर्क स्पेसिफाइड बाय द बैंक्स। अब ये एनी वर्क स्पेसिफाइड बाय द बैंक्स, उसमें आपकी जॉब्स एंड रोल्स पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है, जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो चलो बढ़ते हैं आगे। बैंक क्लर्क की बात करें तो बैंक क्लर्क जो है इज़ अ फर्स्ट एंट्री पॉइंट है जॉब इन बैंक फॉर एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, स्पेशली फॉर फ्रेश ग्रेजुएट एंड धोज विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आप बैंक क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए बैंक क्लर्क की जॉब के लिए कौन कौन सी जगह पे रिक्रूटमेंट आती है, ये भी मैं आपको बाइफर्केट करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले आरबीआई में असिस्टेंट की जगह आती है जो कि बैंक क्लर्क ही कहा जाता है, ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट। उसके बाद एसबीआई में भी क्लर्क की वैकेंसीज आती है। उसके बाद आईबीपीएस जो है उसमें नेशनलाइज बैंक्स के लिए क्लर्क की पोजीशंस आती है। उसके बाद आईबीपीएस में आरआरबीज के लिए आती है, इसके अलावा नाबार्ड के लिए भी आती है। नाबार्ड जो है एक रेगुलेटिंग ऑथोरिटी है, लाइकवाइज आरबीआई जो कि बैंक को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब बैंक क्लर्क इज आल्सो नोन एज अ बैंक टेलर, बैंक टेलर कहा जाता है। अब यहाँ पर टेलर यानी कि वो दर्जी मत बोल देना,
कि सर ये तो कपड़े सीता है वो वाला टेलर। बैंक क्लर्क को जो है बैंक टेलर भी कहा जाता है। बैंक टेलर इज़ बेसिकली अ पर्सन हु डील्स विद एंड कस्टमर डायरेक्टली। आपको कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करना है। हैंस दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी फ्रंट लाइन मेम्बर्स टू द बैंकिंग वर्ल्ड। ठीक है, द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेट द इकोनॉमी एंड द इंडस्ट्री इट्सेल्फ इज अ कंसिस्टेड ऑफ मिनट ऑफ ट्रांजेक्शन एट वेरियस लेवल। देखिए आप एक मिनट का जाके ट्रांजेक्शन कराते हैं बट इससे पूरी देश की इकोनॉमी पूरी मेंटेन होती है। ठीक है, पूरी इकोनॉमी रेगुलेट भी होती है बिकॉज जस्ट सिंपल है किसी को पैसे की ज़रूरत है आपने क्लर्क के थ्रू पैसा भरवाया और किसी और को बैठे बैठे मिल गया। तो यहाँ पर जो है क्लर्क जो है एक की मॉडल है, यहाँ पर की पर्सन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है बैंकिंग जॉब्स में। बिकॉज कोई भी जो कस्टमर्स होता है वो डायरेक्टली कभी भी ब्रांच मैनेजर को जाके नहीं मिलता, वो पहले ही फ्रंट लाइन मेम्बर्स को मिलता है। अभी फ्रंट लाइन मेम्बर्स यानी कि कौन होते हैं, वो बैंक टेलर या तो हम उसे बैंक क्लर्क भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो बैंक में क्लरिकल जॉब को टाइमिंग जो है वो 10 से 5 का होता है। जस्ट सिंपल है 10 बजे की जॉब है तो ऐसा नहीं कि आपको 10 बजे पहुंचना है, आपको 9:45 टू 10 के बीच में यहाँ पर रिपोर्टिंग करके अपना सिस्टम ऑन कर देना है। ठीक है, और आपका 5 बजे तक का सिटिंग टाइमिंग है। दे सर्व एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव इन द बैंक। आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव के तौर पर आपको यहाँ पर बैठना है। क्लर्क हैंडल द कस्टमर एंड देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू आंसरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द कस्टमर इंक्वायरीज। देखिए अभी जस्ट सिंपल है कोई आता है बैंक के अंदर तो बैंक में क्या होता है कि सबसे पहले वो क्लर्क को मिलते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं लाइक भाई अकाउंट ओपन करना है, RTGS करना है, NEFT करना है, FD बनानी है, ये सब चीज़ें जो है क्लर्क को हैंडल बेसिकली करनी पड़ती है। ही और शी पजेस प्रोसेस एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लोन रिपेमेंट फ्रॉम द बैंक कस्टमर्स एंड मेक पेमेंट टू द बैंक कस्टमर आफ्टर चेकिंग एंड वैलिडेटिंग कस्टमर आइडेंटिटी। कस्टमर जो है वो आके पैसा फॉर एग्जांपल सडनली 20 लाख रुपए भर रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है डायरेक्टली 20 लाख रुपए भर रहा है। जस्ट सिंपल है, तो जस्ट सिंपल है वैलिडिटी ऑफ द कस्टमर ये भी हमें चेक करते रहना है। ठीक है, बिकॉज ऑफिसर कभी भी नहीं जानता कि कौन पैसा भरना है, जो कैशियर होता है वही जानता है। या जो चेक ट्रांसफ़र आया है अचानक किसी खाते में जीरो बैलेंस है और अचानक उसके खाते में 50 लाख रुपए आ रहे हैं, कोई कैश डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये सडन जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें क्लरिकल को ही अवेयरनेस रखनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं बढ़ते हैं आगे। दे चेक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने आपको चेक दे दिया तो पहले जो है उसको पेमेंट देने से पहले अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड चेक करना है। ये और शी हैज़ टू प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल डिपॉजिट एंड पेमेंट इन टू द बैंक कंप्यूटर सिस्टम। उसको बैंक में देखिए आपके खाते में डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा जिसे आप पैसा भरने आओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पैसा 10,000 भरा तो उसको क्या है वो रिकॉर्ड सिस्टम में भी डालना है ताकि आप उसे लाइव देख पाए। एजुकेट द कस्टमर्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स। जो बैंक जो है नए नए प्रोडक्ट निकालती है आप देखना कैशियर के या किसी भी ओपन डेस्क पे जो उसकी जो नोटिस बोर्ड होती है उस पर नए नए ये टैक्स लगे होते हैं, जो भी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके होते हैं FD के रेट्स है या इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लगे होते हैं, तो कस्टमर को उसके बारे में एजुकेट करना भी काम है क्लरिकल का। असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड मिडल एंड सीनियर मैनेजमेंट इन देयर टास्क। जो है दोनों के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है एंड सीनियर मैनेजमेंट है उनके टास्क भी आपको फिनिश करने पड़ेंगे। परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द डे एंड रिकंसिल विद द बैंकिंग रिकॉर्ड्स। आपने जब कैश का लेन देन होता है तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना होगा एंड कब, जब डे खत्म होगा यानी कि 4 बजे के बाद आफ्टर 4 PM। रिकंसिल द बैंकिंग रिकॉर्ड्स, आपको बैंकिंग रिकॉर्ड्स भी रिकंसिल करने पड़ेंगे। क्लर्क्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकाउंटिंग ऑफ कैश डिपॉजिट इन ईच ब्रांच। देखिए किसी भी कस्टमर्स ने फॉर एग्जाम्पल पैसा भर दिया एंड उसके खाते में जमा नहीं हुआ तो उसके लिए सीधा कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लर्क है। ठीक है, तो आपको जो है क्लरिकल को यहाँ पर कैश डिपॉजिट करना है और उसका अकाउंटिंग भी करना है पूरी तरीके से हर एक ब्रांच में। दे रेगुलेट एंड नोटिफाई द बैंक ऑफ द डिपॉजिट एंड विड्रॉल अफेक्टेड बाय द कस्टमर्स। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, उनको ये जो है रेगुलेट करते हैं, नोटिफाई करते हैं बैंक को भी कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल अफेक्टेड बाय द कस्टमर्स, कस्टमर के द्वारा जो इफेक्ट होता है। आप नॉर्मली देखना जब भी मार्च एंडिंग होता है या क्वार्टर एंडिंग होता है उसमें जो है बैंक क्लरिकल जो है उनको वो आपको बोलते हैं कि आप खाते में बैलेंस रखना ताकि क्या है ब्रांच का बिजनेस अच्छा दिखे, सो दैट ठीक है। उनमें उनका कोई निजी हित नहीं होता, उनका हित जो होता है वो बैंक को लेकर होता है कि नहीं हमारी बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिखे, नथिंग एल्स ठीक है। क्लर्क्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग चेक्स ट्रैवलर वाउचर्स एंड डिमांड ड्राफ्ट ठीक है। क्लर्क जो है वो चेक भी इशू करते हैं, ट्रैवलर वाउचर एंड डिमांड ड्राफ्ट भी इशू करते हैं। इट इज़ द बैंक क्लर्क वो कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम वेरियस कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बैंक्स ठीक है। पेमेंट जो है जो भी आप करते हो अभी वेरियस सर्विसेज दे, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर आप बैंक से लेते हो तो आपको आपके खाते में पेमेंट करना पड़ता है, खाते में से जो पेमेंट निकालते हैं वो कौन होता है, एक क्लरिकल कैडर ही होता है ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट इज द बैंक क्लर्क वो कलेक्ट पेमेंट ऑफ वेरियस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड बाय द बैंक्स, ये हमने अभी कवर कर लिया। सिंस द कस्टमर्स कम टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बैंक क्लर्क दे आर ऑल्सो इन्फॉर्म अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड फीचर्स एंडोर्स बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आपने जो भी प्रोडक्ट इशू किए हैं मीन्स बैंक के द्वारा जो भी हैं, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, गोल्ड कॉइन की कोई ऑफर है, ज्वेल लोन है, या कोई लोन का स्कीम चल रहा है, या सेविंग अकाउंट ओपनिंग करना है, तो वो जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट में है एक तरीके से, बिकॉज ब्रांच का बिजनेस बढ़ रहा है तो कस्टमर्स को भी उसको इन्फॉर्म करना होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके। द क्लर्क प्रोवाइड बिजनेस रेफरल टू बिजनेस एंड पर्सनल, बिजनेस रेफरल भी वो प्रोवाइड करेगा कि कोई FD की स्कीम है, ये अच्छी है, ये सीनियर सिटीजन के लिए अच्छा है, SSS आया है, सुकन्या समृद्धि आया है, ये स्कीम आई है, वो स्कीम आई है, ऐसी हज़ारों स्कीम आती है बैंक में जो कि उसको कस्टमर को प्रोवाइड करेगा, तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा, ब्रांच का भी बिजनेस बढ़ेगा एंड पर्सनल रेफरेंस भी बढ़ेगा। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ATMs, therefore undertaking some of the key operations। देखिए अब कई सारी ब्रांचेज में क्या हुआ है कि ATM का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है क्लरिकल कैडर को, कई जगह पर ये चीज़ें शुरू हो चुकी है, हालांकि कई सारी बैंकों में नहीं शुरू हुई है। तो क्या होता है कि बैंक क्लर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग ATM, यानी कि कैश बैंक के अंदर जो ATM होता है उसमें आपको कैश लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है ठीक है, कैश का काम होता है कैश, बिकॉज ATM से क्या निकलता है, कैश ही निकलती है, तो कैश का ATM का जो कैश है वो टैली है या नहीं है वो सब चीज़ें भी उसको चेक करना पड़ता है। ओवर एंड अबोव दिस क्लर्क रिजोल्व कस्टमर इश्यूज सच एज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग बैंक पॉलिसी। अब देखिए क्लर्क का और एक काम है, ये जो कन्फ्यूज़न होता है जो कस्टमर्स को, अब उसमें जो है कस्टमर जाके मिलता है फ्रंट लाइन मेम्बर जो कि क्लरिकल बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि रिगार्डिंग बैंक पॉलिसी के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डिस्प्यूट्स है, वो उनको लोकल लैंग्वेज में रिसॉल्व करके प्रोवाइड करें। बेसिकली अगर मैं बात करूँ हर एक बैंक जो है जो फ्रंट लाइन मेम्बर लेते हैं वो लोकल रीजनल एरिया से ही लेते हैं बेसिकली, ये पहले नियम था, अभी फॉर एग्जाम्पल IBPS के टाइम पर ये चेंज हो गया है, सिर्फ आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, बस उसके बेसिस पे कवर हो जाता है ठीक है। हम बात करें आगे की, तो देखिए बैंक क्लरिकल में जो हैं अलग अलग पोजीशंस आती हैं, जो कि अब हम देखते हैं वेरियस पोजीशन आल्सो अवेलेबल इन क्लर्क विथ विच आर एज फॉलो, सिंगल विंडो ऑपरेटर, हेड कैशियर, स्पेशल असिस्टेंट। अब देखो क्लरिकल ही है, ये तीनों के तीनों क्लरिकल ही है, बट इनको जो है अलग अलग पोजीशंस जो हैं जानबूझकर दी गई है, उस हिसाब से इनके अलाउंसेस भी बढ़े हैं ठीक है। इस हिसाब से सिंगल विंडो ऑपरेटर का जो अलाउंस है वो 1240 या 1250 के आसपास है, लेट आई विल कंफर्म ऑन माय नेक्स्ट लेक्चर जब उसकी सैलरी वेज रिवीजन सब कुछ डिस्कस होगा तब, एंड हेड कैशियर का भी उसी तरीके से अलग से अनाउंस मिलेगा एंड स्पेशल असिस्टेंट का भी अलग से अनाउंस मिलेगा। ये आपको दिया जाता है इसलिए ताकि आप जो है आपकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसमें अलाउंसेज में ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में ही आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो सिंगल विंडो ऑपरेटर की बात करें तो सिंगल विंडो सिस्टम जब से आई है डिलीवरी ऑल ट्रांजेक्शन सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक्स एट अ सिंगल काउंटर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फ्रंट लाइन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस।
कस्टमर कैन अप्रोच बाय SWS काउंटर। SWS काउंटर का मतलब क्या हुआ, सिंगल विंडो सिस्टम काउंटर, ठीक है। मैन बाय क्लरिकल स्टाफ डेजिग्नेटेड एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर टू अवेल एनी बैंकिंग सर्विस अनलाइक अर्थवाइल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन काउंटर नेमली सेविंग बैंक अकाउंट करंट अकाउंट टर्म डिपोजिट रेमिटेंस कैश एक्सेट्रा। द अल्टीमेट एम टू SWS इज प्रोवाइड एफिशिएंट क्विकर एंड डिलाइटफुल कस्टमर सर्विस। डिलाइटफुल कस्टमर सर्विस जो है वो देना इसका एम होता है। द स्पेशल पे ड्यूटीज डू नॉट इंक्लूड द रूटीन ड्यूटीज। देखिए जैसे ही आपको ये सिंगल विंडो ऑपरेटर की पोजीशन दी जाती है तो उसमें रूटीन ड्यूटीज होती है, कुछ डिफरेंट ड्यूटीज होती है। अभी हेड कैशियर है तो उसको स्पेसिफिकली कैश में ही काम करना है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। विच अ वर्कमैन हैज टू नॉर्मली परफॉर्म बट मेयरली रिफर टू दो स्पेशल अलाउंस ड्यूटीज विच इफ परफॉर्म इन एडिशन टू द रूटीन ड्यूटीज विल एंटाइटल अ वर्कमैन टू अ स्पेशल पे। तो उसके लिए आपको अलग से स्पेशल पे दिया जाता है, ठीक है। लाइकवाइज देखिए अभी सिंगल विंडो ऑपरेटर की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर करना पड़ता है, ओपनिंग ऑफ CIF यानी कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म या कस्टमर ID भी जिसे कहते हैं, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, अटेंडिंग टू द कस्टमर, पासबुक प्रिंट करके देना, पासबुक नहीं इशू करवाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन को हैंडल करना, ओपनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, OCC अकाउंट, लोन अकाउंट, माइनर अकाउंट, इनवर्ड या आउटवर्ड ईमेल्स चेक करने, मेल चेक करने, जो भी पोस्टेजेस आती है वो सब, मेंटेनेंस ऑफ डिस्पैच रिलेटेड स्टैम्प्स, मार्किंग ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, नॉमिनेशंस करवाना, ऑल टाइप ऑफ क्लियरिंग ECS करना, TDE, RTGS, NEFT ट्रांजेक्शन, लोडिंग कैश इन ATM अलॉन्ग विद एन ऑफिसर, ये भी करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाएगी रोल्स एंड ड्यूटीज़ में जैसे आप सिंगल विंडो ऑपरेटर में जाते हो। रेमिटेंस ऑफ कैश फ्रॉम टू करेंसी चेस्ट एज पर एक्सटर्न गाइडलाइन। आपको कभी कभी क्या होता है कि ब्रांच में कैश ज़्यादा हो गई तो जो बैंक की जो करेंसी चेस्ट होती है जो कि RBI नॉमिनेटेड होती है, ये करेंसी चेस्ट जो है वो RBI के पास होती है, ठीक है। तो वो जो है वो भी उनको टेकल करना पड़ता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटीज़ ऑफ अ सिंगल विंडो ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सब जो हैं ये आपकी सिंगल विंडो ऑपरेटर की ड्यूटीज़ है। अगर हम बात करें वर्क फ्लो जो है वो क्या क्या है, तो वर्क फ्लो की बात करते हैं, तो वर्क फ्लो जो है मैंने नीचे डिटेल में आपको बताया है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए मैं फटाफट गो थ्रू कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज हमारे पास और भी दो पोजीशंस है, हेड कैशियर एंड स्पेशल असिस्टेंट, वो भी हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो ये सब काम जो है वो सिंगल विंडो ऑपरेटर को करना होता है, और सिंगल विंडो ऑपरेटर के बाद की नई हायर पोजीशन है वो हेड कैशियर है, जिसमें आपको कैश डिपार्टमेंट हैंडल करना होता है। तो देखते हैं वर्क फ्लो अंडर सिंगल विंडो सिस्टम। एक्नॉलेजमेंट ऑफ इनवर्ड मेल रिसीप्ट जो कि हमने अर्लियर चेक कर लिया है, पैरा में रिसिप्ट ऑफ चेक करना, ड्राफ्ट बनाना, डिविडेंड वारंट देना, पी ऑर्डर करवाना एंड अदर लाइंग इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल्स एंड गिविंग एक्नॉलेजमेंट इन द काउंटर फाइल, डिलीवरी ऑफ द चेकबुक सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आपको चेक भी डिलीवर करना है बट सब्जेक्ट टू ऑथराइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आपके कॉम्पिटेंट इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर है उसके अथॉरिटी के, उसके कहने के बगैर आपको नहीं करने हैं। इश्यू ऑफ कैश रिसिप्ट, इश्यू ऑफ ESI स्टैम्प वेरेवर एप्लीकेबल और मे बिकम एप्लीकेबल, जब भी ESI स्टैम्प आपको जब भी इशू करना होता है तब, वो हर एक ब्रांच में नहीं होता। रिकाउंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय कैश डिपार्टमेंट स्टाफ, जस्ट सिंपली करेंसी नोट्स जो होती है उसको पूरा काउंट करना, एंश्योरिंग द प्रॉपर कंटेंट इन कवर्स एंड एनवलप इंक्लूडिंग रजिस्टर वंस बिफोर डिस्पैच। आपको देखिए जो भी डिस्पैच आता है उसको डिस्पैच रजिस्टर मेंटेन करना होता है, जो जो कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं पेपर कॉरेस्पॉन्डेंस वो सब। शेल ऑल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द कैडर आइदर ऑनलाइन और मैन्युअली विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पासिंग और सुपरवाइजरिंग फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, समझ में आ रहा है, ये आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है जो भी आपकी ड्यूटीज है। Wherever and wherever required shall function as a single window operator where he also receives cash payment। आपको कैश रिसीव भी करना है, पेमेंट भी करना है, क्लियरिंग ट्रांसफर भी करना है, ट्रांजेक्शन एफिसिंग ऑफ सिग्नेचर एंड सेल भी करना है जहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाए, अपडेटिंग ऑफ एंट्रीज इन अ पासबुक करनी है एंड एक्सेप्ट ऑफ चेक्स इंस्ट्रूमेंट अदर देन बिल्स इन क्लियरिंग कलेक्शंस। आपको चेक वगैरह भी सब एक्सेप्ट करने हैं। तो ये जो है ये जो क्लरिकल में जो पहली पोजिशन आती है सिंगल विंडो ऑपरेटर, ये उसको करना होता है, ठीक है।
तो होप सो आपको सिंगल विंडो ऑपरेटर की जो पोजीशन से वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम जाते हैं हेड कैशियर। देखिए हेड कैशियर का काम क्या है, सबसे पहले जो है उसको कैश को संभालना है। द हेड कैशियर शेल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज़। तो क्या करना है, होल्डिंग द बैंक कैश की और अदर वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी जॉइंटली विथ एन ऑफिसर, ऑफिसर के साथ जॉइंटली होना चाहिए, एंड बीइंग अकाउंटेबल ऑफ देम एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ द कैश डिपार्टमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल है उसके लिए वो। वेरिफिकेशन ऑफ वर्नाकुलर सिग्नेचर एंडोर्समेंट्स, यानी कि देखिए अगर आप किसी को पेमेंट दे रहे हो तो आपको उसकी सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करनी है। काउंटर साइनिंग चेक एंड ड्राफ्ट्स ऑन सेल्फ और कॉरस्पॉन्डेंस, पेमेंट ऑर्डर्स, डिपॉजिट रिसिप्ट एक्सेट्रा, ये सब भी करना है उसको। बीइंग अ चार्ज ऑफ क्लियरिंग एंड गोडाउन डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, ओपिनियन कॉम्पिटिशन, अटेंडिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी वर्क, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी वर्क होता है वो भी उसको देखना है। डिस्चार्जिंग ऑब्लिक एंडोर्सिंग बिल एंड चेक एक्सेट्रा, इश्यू ऑफ कैश टू द टेलर, यानी कि सिंगल विंडो ऑपरेटर जो हमने भी देखा उसको भी कैश इशू करनी होती है। एंड ऑफ द डे एक्टिविटी, यानी कि उसको कैश टैली करना, कैश सही या नहीं, उसका डिनोमिनेशन सही या गलत है। फॉर एग्जाम्पल 2000 की नोट्स जितने भी आपने सिंगल विंडो ऑपरेटर ने दी हैं वो बराबर है या नहीं है, 500 की इंडिविजुअली देखना है, पूरे दिन का कैश होल्ड चेक करना है, ये सब काम जो है वो हेड कैशियर का है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जो थर्ड पोजीशन आती है वो क्या है, स्पेशल असिस्टेंट। स्पेशल असिस्टेंट जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें स्पेशल असिस्टेंट की, तो स्पेशल असिस्टेंट में क्या है कि एक्सेप्टिंग, वेरीफाइंग एंड पोस्टिंग कैश ट्रांसफ़र क्लियरिंग, यानी कि जो भी सिंगल विंडो ऑपरेटर या हेड कैशियर ने काम किया है उसको पोस्ट करना, पोस्ट करने करेंगे तभी आपके खाते में पैसा जमा होगा। ऐसा होगा नहीं कि फॉर एग्जांपल हेड कैशियर ले लिया तो आपका पैसा सीधा ही जमा हो जाएगा, उसकी सर्टेन लिमिट होती है। अभी कई वो डिपेंड करती हैं बैंक टू बैंक। ठीक है, तो जो हर एक जो ऑफिसर की जो लिमिट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग, वेरीफाइंग एंड पोस्टिंग कैश ट्रांसफ़र क्लियरिंग चेक्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट एज द केस मे बी इन अप्रोप्रिएट बुक ऑफ अकाउंट्स लेजर। देखिए अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट में चाहिए, लेजर यानी कि प्रायोरिटिकल खाते में ही चाहिए, आइदर मैन्युअली और ऑनलाइन, अभी तो हालांकि ऑनलाइन ही चल रहा है। एंड टेंडर ड्यू टू एक्नॉलेजमेंट्स, साइनिंग वाउचर, चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एडवाइजेज सच एज नॉन पेमेंट एडवाइजेज, इंटर ब्रांच लेटर फॉर द एसर्टनिंग फैट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बिल शेड्यूल्स, डिमांड नोटिसेस, स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसको करना होगा। चेकिंग ऑल वाउचर्स, एडवाइजेज, स्टेटमेंट्स, चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा, बिल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैश, पोस्टल एंड रेवेन्यू स्टैम्प, बैंकिंग मशीन बैलेंस, एक्सचेंज डिस्काउंट, ब्रोकरेज कैलकुलेशन एंड इनिशियली बाय वे ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ देम फॉर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, ये सब ड्यूटीज़ भी आती हैं। ठीक है, चेकिंग मैन्युअली एंड ऑनलाइन करंट एंड सेविंग अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स। ठीक है, मिस खाते बराबर चल रहे या नहीं, डिस्चार्जिंग एंडोर्सिंग चेक, बिल एक्सेट्रा, परफॉर्मिंग व्हेन रिक्वायर्ड इन कंप्यूटराइज सेटअप, सिस्टम कंट्रोल फंक्शंस आइदर जॉइंटली विद एन ऑफिसर इंडिपेंडेंटली अपॉन स्पेसिफिक ऑथराइजेशन इन रिगार्ड। ठीक है, इन रिगार्ड, तो आपको ये सब चीज़ें भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ द साइलेंट फीचर ऑफ बैंक वेरियस प्रोडक्ट सर्विसेज टू कस्टमर्स टू रिप्लाई टू देयर क्वेरीज एंड टू डायरेक्ट इंटरेस्टेड कस्टमर टू अप्रोप्रिएट पर्सनल, इंस्पेक्टिंग गोडाउन ओनली इन बैंक वेयर सच वर्क इज ऑलरेडी बींग डन बाय वर्कमैन, ये ऑलरेडी वर्कमैन के द्वारा हो चुका है और आपको ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, फॉर अदर पर्पज ऑफ एफिशियंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सेक्शन ऑफ और डिपार्टमेंट, द स्पेशल असिस्टेंट शेल एंश्योर दैट ऑल एक्ट्स, एंश्योर करना है सभी एक्ट्स को, थिंग्स एंड स्टेप नेसेसरी आर टेकन बाय हिमसेल्फ और बाय क्लर्क कंसर्न एंड शेल एंश्योर दैट वेर एवर नेसेसरी, रिमाइंडर्स आर सेंट ऑन टाइम एंड फॉलो अप, रिमाइंडर भी करने हैं किसी खाते में मिनिमम बैलेंस है या क्या है क्या नहीं है या लोन का डिफॉल्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें भी उसको भेजनी है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है, पासबुक जो है फील्ड अप एंड इश्यू प्रॉम्प्टली
ये सब चीज़ें भी करनी है। डिपॉजिट एंड रिन्यूड ऑन ड्यू डेट्स और रिमाइंडर सेंड टू द पार्टीज। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लाइड विद, बिल्स आर एक्सेप्टेड एंड ड्यू डेट्स, डायरीज एडवाइज एंड फॉलो अप, इंटरेस्ट कमीशन सर्विस चार्जेस आर कलेक्टेड। देखिए जो भी इंटरेस्ट लगता है बैंक के द्वारा, कहीं पे छूट गया है तो वो भी कवर करना है, कमीशन कहीं पे जो बैंक के द्वारा जो लगाना चाहिए वो भी लगाना है, सर्विस चार्जेस भी कलेक्ट करने हैं। ठीक है, बैंक के जो सर्विस चार्जेस होते हैं ना, जब आप जाते हो डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाते हो तो डुप्लीकेट पासबुक के भी चार्जेस होते हैं, डुप्लीकेट एटीएम के भी चार्जेस होते हैं, वो सब कलेक्ट करना एसडब्ल्यू का काम नहीं बल्कि स्पेशल रिटर्न का काम है। प्रोसेस ऑफ बिल्स एंड रिसीव्ड और रेमिटेड प्रॉम्प्टली, जो भी बिल्स रिसीव्ड वगैरह हैं वो सब हमें चेक करना है। कन्फर्मेशन ऑफ बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर एंड इट्स फॉलो अप, जो कस्टमर का जो बैलेंस है वो सब हमें यहाँ पर बताना होता है एंड उसकी रिकॉर्डिंग फॉलो अप भी देना होता है। ऑल सिक्योरिटीज रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट सेक्शन फॉर विच द स्पेशल असिस्टेंट इज इन चेंज इन चार्ज आर सिक्योर्ड एंड और कैप्ट इन प्रॉपर कस्टडी एंड प्रॉपरली हैंडेड टू द ऑथराइज पर्सन एट द क्लोज ऑफ द डे। जो जस्ट सिंपल है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आपको जो है, जैसे ही आपका जो डे एंड होता है तो जो भी जो सेफ कस्टडी ऑफिसर होता है उसको ए टू जेड चीज़ें डिलीवर कर देनी पड़ती है, वो भी प्रॉपर प्रोसेस से। बैलेंस प्रॉम्प्टली टेकन टैलीड एंड रिपोर्टेड एंड फॉलो अप एंड ऑल्सो रिटर्न सबमिटेड। एडवाइस एंड और डुप्लीकेट एडवाइजेज समराइज एंड आर इशूड रिस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली व्हेनेवर कॉल्ड फॉर। ठीक है, जब भी जो भी एडवाइस की ज़रूरत पड़े वो निकाल के देंगे। चेकिंग द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज एंड ऑल रिलेवेंट पर्टिकुलर इन रिगार्ड टू द अकाउंट ओपन अंडर ड्यू ऑथराइजेशन। शेल ऑल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ क्लेरिकल कैडर आइदर ऑनलाइन और मैन्युअली। आपको आपकी जो ड्यूटी तो करनी है बट नॉर्मल क्लेरिकल की जो ड्यूटी है वो भी करनी है। विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पासिंग और सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द बैंक। यानी कि ऑफिसर का काम नहीं करना है बट जो भी है आपको क्लेरिकल का काम ही करना है, बट उसमें जो भी आपकी ऑथोरिटी है वो बैंक टू बैंक डिफर करेगी एंड बैंक ही आपको बताएगी कि आपको क्या काम करना है। ये मैं आपको एकदम समराइज फॉर्म में ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी ड्यूटीज जो है ये सब कॉमन ड्यूटीज़ हैं, बैंक टू बैंक कुछ एडिशन भी होगा डिलीशन भी होगा, जस्ट सिंपल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चेकिंग द प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज एंड ऑल रिलेवेंट पर्टिकुलर्स इन रिगार्ड टू द अकाउंट्स ओपन अंडर ड्यू ऑथराइजेशंस। ड्यू ऑथराइजेशंस में जो भी उसका जो अकाउंट ओपन हुआ है वो सब चेक करना, रिकॉर्ड उसका बनाना या मेंटेन करना। शेल ऑल्सो परफॉर्म ऑल ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ क्लेरिकल कैडर आइदर ऑनलाइन और मैन्युअली विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पासिंग और सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द बैंक। जो बैंक के द्वारा जो ऑफिसर है वो उसकी ड्यूटीज नहीं करनी है। वेर एवर और एंड वेन एवर रिक्वायर्ड शेल फंक्शन एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर वेर ही विल ऑल्सो रिसीव एंड पे कैश। अब कभी कभी क्या होता है कि स्टाफ की अगर शॉर्टेज होती है तो इसको हेड कैशियर का भी काम करना पड़ सकता है, स्पेशल असिस्टेंट का तो काम करना ही करना है, एज वेल एज सिंगल विंडो ऑपरेटर का भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो होप सो आपको मालूम पड़ गया है कि क्लरिकल को बेसिकली जो है वो क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देयरफॉर अ बैंक क्लर्क बियर मोस्ट ऑफ लोड इन बैंकिंग ऑपरेशंस। बैंकिंग में जब भी ऑपरेशंस रहते हैं तब क्लर्क को है जो है वो सबसे ज़्यादा लोड उसको रहता है। दे डील विथ एन इमेंस अमाउंट ऑफ कैश एंड मस्ट बी वेरी ट्रस्टवर्थी। देखिए बैंक क्लर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कैश से डील करता है, वो हमेशा ट्रस्टवर्थी ही होना चाहिए। गिवन देयर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग रोल्स, बैंक क्लर्क हैव अ कॉन्स्टेंट नीड फॉर अडोप्टिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी। उनको न्यूअर टेक्नोलॉजी अडोप्ट करते रहना चाहिए। द फंक्शन ऑफ अ क्लर्क आर नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंटेनेंस ऑफ लेजर। उनको मेंटेनेंस ऑफ लेजर भी करना है, हालांकि ये पहले मैन्युअली होता था, अब कंप्यूटराइज हो रहा है तो अब ये उनको काम नहीं करना पड़ता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। देयर रोल्स हैव बिकम मच मोर कॉम्प्लेक्स। द रेपुटेशन ऑफ द बैंक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफिशिएंसी ऑफ द बैंक क्लर्क। अब देखिए मैं बताना चाहूँगा
कि आप अगर अगर किसी भी बैंक का क्लर्क अगर इफेक्टिव है तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड वो इसलिए होते हैं बिकॉज वो फ्रंट लाइन पे है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप बैंक में जाते हो तो अगर आपको पोलाइटनेस के साथ अगर अच्छा आंसर मिलेगा तो आप बोलोगे ये बैंक बहुत अच्छी है, ये ब्रांच बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा ही आप बैंक को जानोगे और ये बोलोगे कि इस बैंक की सर्विस काफ़ी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें बैंक क्लर्क द्वारा ही मेंटेन की जाती है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पर आपका मिसबिहेव हो गया या क्या कुछ हो गया तो आप बोलोगे कि ये बैंक बकवास है, बिकॉज क्यों, आप उस बैंक क्लर्क की वजह से बैंक को जानने की कोशिश करोगे। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर जो है वो रेपुटेशन जो है वो बैंक क्लर्क की जो है वो बैंक क्लर्क के द्वारा ही मेंटेन होती है बैंक की। तो होप्स आपको समझ में आया होगा जो बैंक क्लरिकल के जो जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैंने आपको समराइज फॉर्म में पूरी तरीके से बताया है, ठीक है। होप्स आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, आपने ये लेक्चर पूरी तरीके सुना उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। अगले लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें हम जो हैं बैंक क्लर्क की जो है वो सैलरी परक्विजिट्स एंड बेनिफिट देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बैंक क्लर्क की जॉब ज्वाइन करना वो फ़ायदेकारक है या नुकसानकारक है, ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।